हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। आइए फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि बार बार जो विचार आते हैं और कितने गंदे विचार आते हैं, उसके बारे में क्या करना चाहिए। कभी सारे पेशेंट हैं, उसमें से मैं एक दो तीन पेशेंट का ही जिक्र करूँगा जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। एक है संत, वो एक्चुअली प्रवचन करके वो घूमते रहता है, काफ़ी जगह जाता है, लोगों को प्रवचन करता है, लोगों को अच्छी बातें बताता है, मगर मेरे पास में इलाज करने के लिए आता है। उसका नाम मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि सीक्रेसी है, प्रोफेशनल सीक्रेसी करके। मगर वो मुझे आके प्राइवेट में मिलता है, बोलता है मैं लोगों को सब कुछ बोलता हूँ, मगर मुझे बार 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 मेरी विष्ठा खाने के, मतलब मेरे टॉयलेट खाने के, मेरी संडास खाने के विचार आते हैं। इतने बार बार इतने सताते विचार वो बार 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 कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता। उसको पता है कि ये विचार है, उसने कभी किया भी नहीं है, वो कभी करेगा भी नहीं, उसको मालूम है, वो कभी उसकी संडास खाने वाला है नहीं, और तभी भी उसको इतने विचार आते, इतने गंदे विचार बार बार आते, उसको ऐसा लगता है कि मैं करूँ क्या, ये विचार जाना चाहिए। दूसरा एक पेशेंट है, वो भी बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसका भी नाम मैं ले सकता नहीं। उसको बार 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 विचार ऐसे आते हैं कि भाई वो अपनी माँ के साथ में सेक्स कर रहा है। जैसे ही उसकी माँ उसको सामने दिखती है तो उसको माँ के सेक्सुअल ऑर्गन्स दिखते हैं, मतलब वही सामने विचार आते हैं, उसकी तरफ नज़र जाएगी, उसको लगता है कि मैं सेक्स करूँगा। उसको मालूम है कि ये कभी होने वाला है नहीं, ये कभी करने वाला है नहीं, मगर वो विचार आते हैं। तीसरा व्यक्ति मैरिड है, शादीशुदा है, उसको इतना पक्का पता है कि उसकी जो पत्नी है उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर बार 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 विचार आते हैं कि ये लोगों के साथ में है और किसके तो भी साथ में लगी हुई है और ये सेक्स कर रही है, छोटी छिपे जाते हैं और वो सेक्स कर लेती होंगी। मालूम है उसको कि ऐसा नहीं है, वो करेगी नहीं, मतलब वो 100% श्योर है, वो ऐसा पागलपन नहीं है उसका, उसको मालूम है कि उसने कभी किया भी नहीं है, मगर बोलता कि मैं क्या करूँ, वो विचार ही आते कि वो कभी चले जाएंगे, अभी जाएंगे क्या, बाद में कोई किसके साथ में जाएंगे क्या, और सेक्स करेंगे क्या, ऐसे विचार आते हैं। और फिर वो उसको बोल के बताता है, बोलते मेरे को डाउट आ रहा है, फिर झगड़े होते हैं उनके, कैसे कैसे आपके विचार आते हैं, मैं ऐसा तो कभी किया नहीं, कभी करूँगी भी नहीं, मगर उसको बार बार विचार आते हैं। तो ये ऑब्सेशन की बीमारी, बार 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 वही विचार आना। उनको तो काफ़ी दवाई दिया मैंने, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि ऑब्सेशन में सेरोटोनर्जिक दवाई देती है, मतलब सेरोटोनिन बढ़ाने की दवाई हम देते हैं, या क्लोमिप्रामिन जो दवाई है जिससे भी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है उनकी लेवल बढ़ जाती है ब्रेन के, तो उससे फ़ायदा होता है, वो देने के बावजूद भी उनको 50% आराम है। फिर मैंने उनको ये बताया कि देखो आपको मानसोपचार काउंसलिंग लेनी पड़ेगी, हिप्नोसिस करनी पड़ेगी, क्योंकि हिप्नोथेरेपी में होता क्या है कि हम कॉन्शियस माइंड को बाजू में कर देते, लॉजिकल माइंड को बाजू में कर देते और सीधा सबकॉन्शियस माइंड में सूचनाएँ देते रहते हैं। तो उसको मैंने बार 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 उनको मैंने बुलाया हिप्नोथेरेपी के लिए, उनको सूचनाएँ दिया, बार बार सबकॉन्शियस माइंड में जब हैमरिंग किया, सूचनाएँ दिया कि जो विचार जो है वो विचार है, वो विचार ऑटोमेटिक आपको आ रहे हैं, वो आपके विचार है नहीं, ये मशीनरी है, ब्रेन है, उसमें ऑटोमेटिक विचार चालू है, ये विचार तुमने लाए नहीं है, तुम खुद लाते भी नहीं है, मगर विचार आ रहे हैं तो उसको जस्ट बाजू में रखो, उसको ब्रैकेट में डालो, वो ऑटोमेटिक है, वो मैं नहीं हूँ, वो मेरे विचार है, वो मेरे पास में है, वो मुझे आते रहते हैं, उसमें मेरा कुछ हक नहीं है, उसमें कोई अधिकार नहीं है, ना मेरे विचार, मतलब मैं उसको ला नहीं रहा हूँ, ना मेरे विचार है, वो ऑटोमेटिक आ रहे हैं और वो आते रहते, उसके तरफ हमने ख्याल देने का नहीं, वो बाजू में रखने के और काम करना है हमारे काम के ऊपर। जब उनको मैं ऐसा काउंसलिंग भी किया, ऑटोमेटिक विचार आते हैं उसके बारे में चर्चा किया, थॉट स्टॉप टेक्निक करके एक है कि थॉट स्टॉप कैसे करना, वो टेक्निक उनको सिखाया, हिप्नोसिस में कॉन्शियस माइंड को बाजू में करके सबकॉन्शियस माइंड में सूचनाएं देने का वो तरीका सिखाया और उनको बुलाया, और ये सब करने के बाद में आज उनको करीब करीब 90% आराम हो चुका है, 90%। बोलते हैं कि भाई हमारा जीवन ही सुधर गया, इतना संभव है। कभी कभी कुछ लोगों का ऐसा होता है कि 10-10 साल से ऐसे ऑब्सेशन के सिम्टम्स लेके हमारे पास में आते हैं,
कुछ लोग उसके ऊपर कंपल्शन भी करते हैं, मतलब उसके ऊपर एक्शन भी करते हैं, और वो एक्शन उनको इतनी तकलीफ दे होती है कि बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। एक एक ड्रम पानी का खलास कर डालते हैं, एक एक ड्रम पानी। आजकल पानी का इतना प्रॉब्लम है, पूरा हाथ धोने में, पैर धोने में, स्नान करने में पानी खत्म। घर के लोगों को बार बार स्नान करने लगा थे, 10-10 साल से बीमारी है उनको, सब तरह का इलाज, मानसोपचार, समूहोपचार करने के बाद में फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो कुछ पेशेंट के लिए हमने फिर शॉक ट्रीटमेंट भी हमने कोशिश किया, उसमें उनको फ़ायदा हो गया, और वो भी हम मतलब कर सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट हम देते हैं उनको फ़ायदा हो जाता है। तो ऐसी ये जो बीमारी है ये 1 से 2% लोगों को होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बार बार विचार आना और उसकी बीमारी। और हमारे आसपास में काफ़ी सारे लोग हैं कि जिनको ये बीमारी है, लोग बोलते नहीं हैं, डॉक्टर की तरफ आते नहीं हैं, मैं क्या पागल हो गया क्या, ऐसा बोलते हैं। तो आपके संपर्क में आने वाले लोगों को जरूर ये बताओ, वीडियो शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करो, ताकि छोटा सा भी मतलब प्रॉब्लम होंगे और शुरुआत हुई होंगी उनको, तो जल्दी यदि वो इलाज करते हैं ये बीमारी का, तो 100% क्योर संभव है। तो आपके ग्रुप के ऊपर शेयर करो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी आएंगी उसके ऊपर भी बेल दब मतलब वो बेल के ऊपर भी प्रेस करो, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। आपने वीडियो देखा इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो मिशन है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और एडिक्शन फ्री इंडिया, उसमें आपका हाथ जरूर लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।